हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश में फिर लग सकता लॉकडाउन, गृह मंत्रालय ने जारी की नई एडवाइजरी, राज्यों से कहा सख्ती दिखाएं। देश में कोरोना वायरस के मामलों में अचानक वृद्धि व नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संकट के बीच केंद्र ने एक बार फिर से सोमवार को महामारी की स्थिति से निपटने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक नई एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि त्योहारी सीजन के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जरूरत के मुताबिक स्थानीय प्रबंध और पाबंदियां लगाने पर विचार कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि अब 31 जनवरी 2022 तक पूरे देश में कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना जारी रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी नई एडवाइजरी के बाद राज्य वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा सकते हैं। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध पहले से ही लागू है। इसके अलावा विभिन्न देशों में विशेष रूप से अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, फ्रांस, इटली, स्पेन, रूस, दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया आदि में भी मामलों में वृद्धि दर्ज की जा रही है। भल्ला ने कहा कि 21 दिसंबर की स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी में एक मानक ढांचा प्रदान किया गया है और कई राज्यों में डेल्टा वेरिएंट की विशिष्ट उपस्थिति और ओमिक्रॉन मामलों का पता लगाने के साथ स्थानीय और जिला स्तरों पर अधिक दूरदर्शिता, डेटा विश्लेषण, गतिशील निर्णय लेने और सख्त और त्वरित रोकथाम कार्रवाई की आवश्यकता है। भल्ला ने कहा कि मैं दोहराना चाहता हूं कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी सावधानियों का पालन करना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। स्थानीय और जिला प्रशासन मानक ढांचे और स्थिति के आकलन के आधार पर तुरंत उचित रोकथाम के उपाय करने चाहिए। राज्य विचार कर सकते हैं त्योहारी सीजन के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जरूरत आधारित स्थानीय प्रबंधन और पाबंदियां लगाएं। भल्ला ने कहा कि राज्य को कोविड के उचित व्यवहार के मानदंडों को सख्ती से लागू करना चाहिए। नए वेरिएंट के संबंध में किसी भी गलत सूचना को रोकने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उन्हें सही जानकारी प्रसारित करने के लिए उच्चतम स्तर पर लगातार और नियमित रूप से मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करनी चाहिए। जागरूक टीवी की नई दिल्ली से खास रिपोर्ट।